The Watcher presents Hollywood movie 17 again. मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइक रहता है और आज माइक की लाइफ का सबसे बड़ा दिन रहता है क्योंकि स्कूल के बास्केटबॉल मैच में नेशनल टीम के सिलेक्टर्स आने वाले रहते हैं, जिस वजह से माइक पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रेशर रहता है क्योंकि उस एक मैच में उसकी लाइफ के सारे सपने टिके होते हैं। पर जब उसका मैच शुरू होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड स्कारलेट घबराई हुई उसके पास आती है और मैच के बीच में ही वहां से निकल कर जाने लगती है और उसे जाता देख माइक से रहा नहीं जाता, जिसके बाद वो भी अपना मैच छोड़कर स्कारलेट के पीछे जाता है और उसे रोककर उसके अचानक चले जाने की वजह पूछता है। तो माइक को बताती है कि वो डरी हुई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो माइक स्कारलेट से कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके साथ है और ये कहकर माइक अपना मैच छोड़कर स्कारलेट के साथ वहां से निकल जाता है। और फिर कहानी 20 साल बाद से शुरू होती है और हम देखते हैं अब माइक 37 साल का हो चुका है और अपने 20 साल पहले लिए फैसले पर हर रोज अफसोस करता है क्योंकि बास्केटबॉल के अलावा माइक का किसी चीज में मन नहीं लगता। इसके अलावा वो जिस कंपनी में काम करता है वहां दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। घर में उसके दोनों बच्चों को उसके होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और स्कारलेट के साथ भी उसके रिश्ते पर खतरा मंडरा रहा होता है क्योंकि परिवार पर ध्यान न देने की वजह से स्कारलेट उसे तलाक देने वाली होती है। माइक हर तरफ से पिस रहा होता है। पर इसी बीच एक दिन जब माइक अपने बच्चों मैगी और एलेक्स को स्कूल से पिकअप करने जाता है तो वहां उसे अपनी उस टाइम की फोटो लगी मिलती है जब वो स्कूल बास्केटबॉल टीम में था, जिसे देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होता है। तभी एक साफ सफाई करने वाला बुढ़ा आदमी उसके पास आता है और उसे उस फोटो को देखता देख उससे कहता है कि वो आज भी अपने पास्ट में अटका हुआ है। तो माइक उससे कहता है कि वही एक वक्त था जब उसे अपने ऊपर प्राउड था और वो विश करता है कि काश वो फिर से वही लाइफ दोबारा जी पाता। पर तभी उसकी बेटी मैगी वहां आ जाती है, जिसके बाद माइक उसे और एलेक्स को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहां उनसे बात करने की कोशिश करता है पर दोनों उसे इग्नोर करते हैं। और जब माइक घर आता है तो स्कारलेट से भी उसकी फिर से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से माइक खुद को और कोसने लगता है और फ्रस्ट्रेट होकर अपने एक दोस्त नेट के पास जाने के लिए निकल जाता है जो कि एक साइको रहता है पर बहुत अमीर रहता है। इसी बीच रास्ते में जाते वक्त माइक को स्कूल वाला बुढ़ा आदमी फिर से दिखता है और वो एक ब्रिज पर खड़ा होता है, जिसे देखकर माइक को लगता है कि वो सुसाइड करने वाला है तो वो उसे रोकने जाता है। पर उसके पहुंचने से पहले ही वो पानी में कूद जाता है, जिसके बाद माइक दौड़कर पानी में देखने जाता है और तूफान की वजह से वो भी पानी में गिर जाता है। जिसके बाद जब वो पानी से निकलकर नेट के घर आता है और खुद को साफ करने जाता है तो खुद को शीशे में देखकर डर जाता है क्योंकि वो 37 साल से वापस 17 साल का हो गया रहता है, जिसके बाद वो नेट को जाकर सारी बात बताता है। पर पहले नेट उसे देखकर कोई और समझता है और उससे लड़ने लगता है, पर जब उसे यकीन हो जाता है कि वही माइक है तब वो उसे कहता है कि उसके मुताबिक किस्मत ने उसे दोबारा चांस दिया है अपनी लाइफ की पिछली गलतियों को सुधारने के लिए। नेट की बात सुनकर माइक अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती याद करने की कोशिश करता है और उसे वो पल याद आता है जब उसने स्कारलेट के लिए अपने बास्केटबॉल के इम्पोर्टेंट मैच को छोड़ दिया था। जिसके बाद माइक नेट से कहता है कि उसे पता चल गया है कि उसे अपनी कौन सी गलती सुधारनी है पर उसे इस काम में उसकी भी मदद चाहिए। दरअसल माइक का प्लान वापस अपने उसी स्कूल में एडमिशन कराने का रहता है ताकि वो फिर से बास्केटबॉल खेल सके और एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल चैंपियन बन सके, और इसके लिए वो नेट को अपना बाप बनाकर अपना एडमिशन करवाने स्कूल लेकर जाता है। पर नेट माइक की इस हरकत से चिढ़ा हुआ रहता है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई रहती और उसे सबके सामने माइक को अपना नाजायज बेटा घोषित करना पड़ता है। पर नेट का मूड तब बदल जाता है जब वो उसके स्कूल के प्रिंसिपल जेन को देखता है, जिसे देखते ही नेट को उससे प्यार हो जाता है और वो अपना अलग प्लान बनाता है माइक के जरिए जेन को पटाने का। इधर माइक जब पहले दिन स्कूल जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे उसकी गाइडेंस के बिना कितने गलत रास्ते पर है। दरअसल माइक का एडमिशन मैगी और एलेक्स की क्लास में ही होता है, जहां वो देखता है कि मैगी क्लास के सबसे हरामी स्टूडेंट जिसका नाम स्टैन रहता है उसके साथ रिलेशन में है और एलेक्स से मिलकर उसे पता चलता है कि उसने अपने बारे में उसे जितना ही बताया था कि वो स्कूल में बहुत कूल है और स्कूल के बास्केटबॉल टीम का हिस्सा है सब झूठ था। वो ना ही बास्केटबॉल टीम का हिस्सा रहता है और ना ही कूल, क्योंकि सभी बच्चे उसका हर वक्त मजाक उड़ाते रहते थे। एलेक्स की हालत देखकर माइक सबसे पहले उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और इसके लिए वो सबसे पहले एलेक्स को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने का सोचता है। इसी बीच माइक को यह भी पता चलता है कि मैगी का बॉयफ्रेंड स्टैन ही वो लड़का है जो एलेक्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है और उसी की वजह से एलेक्स बास्केटबॉल टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि स्टैन ही बास्केटबॉल टीम का कैप्टन रहता है। जिसके बाद माइक स्टैन को सबके सामने सबक सिखाने का डिसाइड करता है ताकि वो एलेक्स से अपनी दोस्ती और पक्की कर सके और इसके लिए वो पूरे स्कूल के सामने स्टैन का मजाक उड़ाता है, जिसके बाद एलेक्स और माइक की दोस्ती और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ नेट भी प्रिंसिपल जेन को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है पर जेन उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो अपने स्टूडेंट के डैड के साथ डेट पर नहीं जा सकती, लेकिन नेट इसके बावजूद हार नहीं मानता, वो और भी अलग अलग रास्ते अपनाते रहता है। इधर माइक सब कुछ ठीक करने के लिए एलेक्स को ट्रेन करता है, मैगी को बार बार स्टैन से दूर रहने की सलाह देता है और सबसे खास बात वो एलेक्स का दोस्त बनकर उसके घर जाता है और वहां स्कारलेट को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो सब काम को पूरा करता है जिसे उसने बहुत वक्त से छोड़
रखा था, जिसके बाद माइक को अपने सामने देखकर स्कारलेट उससे कहती है कि उसे लगता है कि वो उसे बहुत वक्त से जानती है। पर स्कारलेट के उसे ना पहचानने पर माइक अपनी असलियत उससे छिपाए रखने का ही डिसाइड करता है। लेकिन इधर माइक एलेक्स को ट्रेन करके उसे बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बना ही देता है, जिससे एक और अच्छी बात यह होती है कि स्टैन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्से में मैगी से ब्रेकअप कर लेता है। पर माइक को पता नहीं रहता कि स्टैन से ब्रेकअप के बाद मैगी को इतना ज्यादा बुरा लगेगा, जिसके बाद जब मैगी एक जगह पर बैठकर रो रही होती है तो माइक उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि वो स्टैन से बेटर डिजर्व करती है। माइक की बात सुनकर मैगी शांत हो जाती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक होता देख माइक इस खुशी में नेट के घर में पार्टी रख देता है, जब नेट जेन को लेकर डेट पर जाने में कामयाब हो जाता है। और पार्टी में माइक एलेक्स को मोटिवेट करता है उसके क्रश को प्रपोज करने के लिए, पर तभी उस पार्टी में स्टैन भी आ जाता है और मैगी से अपने किए के लिए माफी मांगने लगता है, जिसे देखकर माइक वहां आता है और स्टैन को वहां से जाने के लिए कहता है, पर स्टैन जाने से मना कर देता है, जिसके बाद फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और उस लड़ाई में स्टैन माइक को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को मैगी की बाहों में पाता है और देखता है कि मैगी उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और तब माइक को रियलाइज होता है कि उसने मैगी के सामने उसकी ज्यादा केयर करके उसे गलत हिंट दे दिया है, जिसके बाद माइक मैगी से यह कहकर वहां से भाग जाता है कि वो किसी और से प्यार करता है। इसी बीच पार्टी में स्कारलेट भी वहां एलेक्स को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और इस बार स्कारलेट को अपनी आंखों के सामने देखकर माइक खुद को रोक नहीं पाता और उसे सबके सामने किस कर लेता है, जिसके बाद स्कारलेट माइक की इस बदतमीजी के लिए उसे थप्पड़ मार देती है और एलेक्स और मैगी भी उसकी इस हरकत से उससे नफरत करने लगते हैं और माइक को रियलाइज होता है कि उसकी एक नादानी ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पर जब कोर्ट में डाइवोर्स की डेट आती है और सभी बड़े माइक के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब माइक एक लेटर लेकर कोर्ट में जाता है और सबसे कहता है कि माइक किसी जरूरी काम में फंस गया है, जिस वजह से उसने स्कारलेट के लिए एक लेटर दिया है जिसे वो पढ़कर सभी को सुनाना चाहता है, जिसके बाद माइक स्कारलेट से बहुत सारी इमोशनल बातें करता है और आखिर में ये कहता है कि माइक उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहता और ये कहकर वो रोता हुआ उस लेटर को फेंक कर वहां से चला जाता है। और उसके जाते ही स्कारलेट जब उस लेटर को उठाती है तो देखती है कि वो कोई लेटर नहीं था बल्कि उस कोर्ट का एड्रेस था और ये देखकर स्कारलेट समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। इधर स्कूल में माइक के सामने फिर से वो चांस आ जाता है जिसे गंवाने का अफसोस वो पूरी जिंदगी मना रहा था। माइक के सामने फिर से सेलेक्टर्स बैठे हुए होते हैं और कुछ ही देर में होने वाला मैच ये डिसाइड करने वाला होता है कि माइक एक बास्केटबॉल चैंपियन बनेगा या नहीं। पर माइक के मन में कुछ और ही चल रहा होता है, उसे स्कारलेट को खोने का पछतावा हो रहा होता है, जिसके बाद जब स्कारलेट एलेक्स के मैच को देखने वहां आती है तो माइक उसे फिर से वही फ्लाइंग किस देता है जो वो हर मैच से पहले अपने वक्त पर दिया करता था, जिसे देखकर स्कारलेट को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वो माइक ही है। पर कंफर्म करने के लिए वो पिछली बार की ही तरह इस बार भी स्टेडियम से उठकर बाहर जाने लगती है, ये देखने के लिए कि वो उसके पीछे आता है या नहीं। जिसके बाद स्कारलेट को जाता देख माइक को भी ये रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि वो बास्केटबॉल चैंपियन नहीं बना, बल्कि उसकी गलती ये थी कि उसने अपने पास्ट के चक्कर में अपने सबसे कीमती चीज अपने प्यार को बर्बाद कर दिया था और इसी गलती को सुधारने के लिए उसे ये मौका दोबारा मिला है। और ये रियलाइज होते ही माइक सालों पहले की तरह दौड़कर स्कारलेट के पीछे जाता है और जाते जाते वो फिर से बड़ा माइक बन जाता है और स्कारलेट को उसका इंतजार करते पाता है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। और आखिर में माइक अपने बच्चों के करीब रहने के लिए कुछ टाइम के बाद उसी स्कूल में कोच की नौकरी पकड़ लेता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।